तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? आप देख रहे हो ऑनलाइन क्वेश्चन हो। माई सेल्फ अभिनय चौधरी, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने एजुकेशन चैनल में। तो जी फ्रेंड, जैसे कि बात करें, मैंने जैसे अभी पहले वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप सभी जो रजिस्ट्री पाके डाउनलोड क्यों नहीं कर पा रहे। मैंने वो बताया था कि रजिस्ट्री अपलोड नहीं कर पा रहे हो अभी, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत से लोगों का डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन नहीं हो पाया है। तो जी माई डियर फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन की डेट आ चुकी है आप सभी की। तो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन की डेट, जो भी नोटिस आई है आपके अपने पाठ्यपुस्तक की तरफ से। और बिकॉज ये भी बताने वाला हूँ कि आपको अपनी कॉलेजेस के थ्रू कि जब वेरीफिकेशन की डेट आएगी आपको कैसे पता चलेगा, आपको कहाँ पर देखना होगा। तो ये सारी जानकारी जानने के लिए आपको आज का वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। पसंद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं सिर्फ अभिनय चौधरी, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपको बताते हैं, दिखाते हैं क्या वेरीफिकेशन लेकर के नोटिस आई आपके अपने यूजी और पीजी कोर्सेज दोनों के लिए। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइस, उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ताकि हमारे चैनल पर जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और ITI और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नई अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पर गाइस आपको ITI, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्जाम रिजल्ट, सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। तो गाइस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले आपको आ जानी है पाठ्यपुस्तक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, जो कि वेबसाइट ppp.ac.in। गाइस वेबसाइट पर आओगे तो आपको यहाँ पर वेबसाइट पर आपको सारे अपडेट्स देखने को मिलते हैं, जो भी अपडेट्स आते हैं आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो फ्रेंड्स, अभी भी कुछ देर पहले अपडेट चलिए बताते हैं आपको, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से भी अपडेट आया था, वो क्या है अपडेट, उसके आपको आ जानी होगी। हमारे यहाँ ऑनलाइन क्वेश्चन आपके चैनल पर आओगे तो ये चैनल का सेक्शन कुछ दिख जाता है, हमारे इधर चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में आइए। यहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाता है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ जाना है, इसी पर आपको अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेंगे अपने पाठ्यपुस्तक यूनिवर्सिटी की तरफ से। कोई भी अपडेट आता है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, तो उसके लिए देख पर आपको ये खुलेगी द साइड कैन भी रिस्ट, आपको घबराने नहीं, डोंट बी पैनिक। आपको जैसे इस पर क्लिक करोगे, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया लिंक, अब आपको टेलीग्राम ऐप पे आ जाना है। ऐसे पे टेलीग्राम ऐप पर आओगे, आपको यहाँ पर सर्च करोगे, सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करोगे तो आपको हमारा चैनल यहाँ टॉप पर देखने को मिल जाता है, ऑनलाइन क्वेश्चन हब। आप अभी आके इसे इसमें फॉलो कर ले। फॉलो करने के बाद देख पा रहे, मैंने अभी भी जस्ट नोटिस डाला था यहाँ पर रेशन स्लिप के रिगार्डिंग, जो भी आई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से वो क्या है नोटिस मैं आपको बता दूँ, यहाँ से मैं आपके लिए आपका नहीं लूँगा कि आई थी डिग्री कॉलेज के सभी प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि डिग्री रेगुलर सेशन 2020 से 2023 यानी UG आपका रेगुलर हो, UG वोकेशनल हो गया, ठीक है, के सभी संकायों के छात्रों का रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट कर अपने आपके पोर्टल पर दिनांक 27 अप्रैल को भेज दिया गया है, ठीक है, मतलब सब कुछ कर दिया, यूनिवर्सिटी भेज दिया है। साथ ही आपके कार्यालय को मेल द्वारा सूचित किया जाता है कि छात्रों का रजिस्ट्रेशन यथाशीघ्र वेरीफाई कर दे, ठीक है, ओके, ताकि छात्र एवं छात्राएं अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउन कर सके। तो समझ में आ रहा है कि कॉलेज को वेरीफाई जल्दी करना है तभी कुछ हो पाएगा। पता चला है कि अभी तक कुछ ऐसे महाविद्यालय हैं जिसमें वेरीफिकेशन कार्य भी पेंडिंग में, वेरीफिकेशन नहीं हो पाया था पता कोरोना काल के द्वारा, फलतः इस प्राकृतिक आपदा के समय छात्रों को काफ़ी परेशानी हो रही है, जिसकी सूचना विश्वविद्यालय प्रशासन को निरंतर मिल रही है, इसी आवश्यक समझते हुए यथाशीघ्र वेरिफिकेशन का कार्य संपन्न करें। तो फिर आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि आप सभी का अगर रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउन करने जा रहे हो, वहाँ पर लिखा रहे इंक्वायरी डेटा फाउंड, ये तो उसका मतलब है कि आपका वेरीफिकेशन नहीं हुआ, आप अपना वेरीफिकेशन नहीं करें अपने कॉलेजेस में। आप वेरीफिकेशन कॉलेजेस में कराओगे तभी आपका वहाँ पर स्लिप खुलेगा। तो उसके लिए क्या नोटिस आई है इसे मैं आपको बताता हूँ। अरे फ्रेंड्स, वो बताने से पहले आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ जाइए, उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको हमेशा अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेंगे। पर वेबसाइट इंटर कर लेनी होगी कॉलेज की, मैं जैसे TPS कॉलेज से बुक करके दिखा रहा हूँ, आपको इसी तरह से अपने कॉलेज की वेबसाइट को खोल लेनी है। खोलने के बाद आपको यहाँ पर एडमिशन पोर्टल का ऑप्शन देखने को मिलता है, आप इस पर क्लिक कर लो। आप जैसे इसके एडमिशन पोर्टल पर आप क्लिक करोगे तो देख पाओ इसका TPS कॉलेज की वेबसाइट खुल चुका है। यहाँ पर स्टूडेंट अप्लाई के सेक्शन में मैं आऊँगा तो देख पाओ पढ़ने को मिल जा रही है कि टू सबमिट डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है, एडमिशन जो आपका हुआ है PG फर्स्ट सेमेस्टर 2020 से 2022 का, ठीक है, और वोकेशनल का फर्स्ट ईयर 2020 से 2023 का, वो उसका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन को लेकर के लेटेस्ट नोटिस आ गई या क्या वो लेटेस्ट नोटिस, चलिए मैं यहाँ से डाउनलोड करके आपको मैं फटाफट अभी दिखाता हूँ। तो चलिए इस बात पे आप वीडियो को भी लाइक करें, क्योंकि आप देख रहे हो हम आपके लिए हमेशा अप टू डेट हमेशा वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए कम ऑन गाइस, एक लाइक तो बनता है, लाइक जरूर ठोको और वीडियो को शेयर करें। तो फिर देख पर आपको यहाँ TPS कॉलेज पटना की तरफ से सूचना पढ़ने को मिल जा रही है, जो कि अब जस्ट अभी अभी आज ही आई है, पढ़ पर आपको डेट पढ़ने को मिल जा रही है 1 मई 2021। तो पढ़ने को मिल जा रहा है कि वोकेशनल पाठ्यक्रम यानी BBA BCA BS बायोटेक्नोलॉजी सत्र 2020 से 2023 एवं स्नातकोत्तर यानी आपका PG हो गया सेशन 2020 से 2022 पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय जो एडमिशन लिया था पटना में, नामांकित यानी एडमिशन ले चुके हैं सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि नामांकन संबंधी प्रपत्र
यानी डॉक्यूमेंट्स आप दिनांक 16 मई से 31 मई तक महाविद्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। इसका मतलब कि आपका जो भी एडमिशन आपने लिया था उसका पूरा वेरिफिकेशन का डेट पढ़ पा रहे हो कि 16 मई से 31 मई तक आपको अपने कॉलेज में जाना है, वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कराना डॉक्यूमेंट्स का। ये नोटिस आई टीपीएस कॉलेज की तरफ से, इसी तरह से आपके कॉलेज में नोटिस आई होगी, आप जाकर वेबसाइट चेक करिए अपने कॉलेजेस का। और भी अगर वेबसाइट अगर आप कोई सूचना नहीं है आपके कॉलेज को इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, तो हो सकता है कल परसों तो सूचना आ जाएगी गाइज, डोंट बी पैनिक। और जैसा हो आप अपने कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बारे में पढ़ने को मिल जा रही है कि कोरोना संक्रमण के कारण यदि तिथि विस्तारित होती है, तिथि बढ़ती है डेट, तो उस तिथि के बाद ही महाविद्यालय के सभी प्रपत्र जमा होंगे। यानी अगर डेट बढ़ेगी तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर आगे कंटिन्यू होगा। अब क्या क्या जमा करना है ये ध्यान से सुन लीजिए डॉक्यूमेंट। इसका मतलब कि देखो ये तो नोटिस आपका सिर्फ टीपीएस के लिए था, लेकिन सभी को तो आप जमा करना है वेरिफिकेशन। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो टीपीएस कॉलेज को जो भुगतान किया है, यानी आपका जो जिसने आपको जो एडमिशन पेमेंट किया था, ठीक है, वो पीजी वोकेशनल दोनों के लिए, और पीपीयू का एडमिशन एप्लीकेशन जो फॉर्म था आपका वो पीजी वोकेशनल दोनों के लिए, और रजिस्ट्रेशन का जो शुल्क जमा किए हैं, ठीक है, उसका फ़ी पेमेंट रिसिप्ट पीजी वोकेशनल दोनों के लिए, और ग्रेजुएशन का मार्कशीट का फोटो कॉपी सिर्फ पीजी वालों को देना है, जाति प्रमाण पत्र किसी जाति के उसे बिलोंग करते हैं SC ST OBC आपको देना है, ठीक है, और इंटरमीडिएट का फोटो कॉपी देना है मार्कशीट का, ठीक है, पीजी वोकेशनल दोनों के लिए, मिट्टी के मार्कशीट दोनों के लिए, और आधार कार्ड की फोटो कॉपी भी आप दोनों को देना है, और CLC ओरिजिनल आपको सबमिट करना होगा पीजी वोकेशनल दोनों को, और माइग्रेशन ओरिजिनल जमा करना होगा पीजी वोकेशनल दोनों को। अब यहाँ पढ़ पा रहे नोटिया दिया हुआ है कि छात्र छात्राओं यानी BBA BCA बायोटेक्नोलॉजी वोकेशनल ऑफिस यानी आपको वोकेशनल डिपार्टमेंट जाकर जमा करना है अपने इस कॉलेजेस का, ठीक है, और PG सेमेस्टर फर्स्ट यानी जनरल सेक्शन में आपको सारे जाके डॉक्यूमेंट्स को वहाँ सबमिट करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये भी नोटिस आए थे आपके अपने इस TPS कॉलेज की तरफ से, मैंने सोचा कि आप सभी को अपडेट सूचना दे दूँ। फिर इसी प्रकार से आपको मैं दिखाता हूँ कॉलेज ऑफ कॉमर्स का, कॉलेज ऑफ कॉमर्स का वैसे तो पता है कोकाज जब सर्च करके खुल जाएगी। चलो देखते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के कोई नोटिस आपके इस कॉलेज पर आई है या नहीं। तो पढ़ने को मिल जा रहा है कि PG रेगुलर वोकेशनल एडमिशन फॉर्म का अपडेट, नोटिस पर PG रेगुलर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टार्ट डेट 10 अप्रैल वाला है। तो वैसे देख पा अभी तक कोई लेटेस्ट अपडेट तो नहीं आई है, तो जैसे अपडेट अगर आपका कोकाज की तरफ से आती है तो अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसी तरह से कोई बेहतर आप कॉलेजेस बोलो, सपोज मान लो जो कॉलेज ले लो नालंदा कॉलेज, ठीक है, तो नालंदा कॉलेज अगर मैं खोल रहा हूँ उसकी वेबसाइट वहाँ पे देखने को मिल जा रही है। वास्तव लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि इसे नालंदा का बताइए, तो चलिए मैं नालंदा का बता देता हूँ आपको। तो हमारे फ्रेंड नालंदा कॉलेज की वेबसाइट खुल चुकी है, आपको नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको आना है नीचे यहाँ देख पा रहे हो UGPG एडमिशन बीट एक्सटेंशन एडमिशन नोटिस, ठीक है, एडमिशन नोटिस आप डाउनलोड करोगे तो देख पा रहे हो सूचना जो ये आई थी, ये आपकी जो है ये 2020-21 और UG का कि नामांकन लेने सभी छात्र छात्रों को सूचित किया जाता है कि जिनका चयन नालंदा कॉलेज में हुआ है उनको आपको ये वेबसाइट पर, ठीक है, उपलब्ध लिंक के द्वारा करनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो खैर था, आप सभी को जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी है उसका नोटिस यहाँ पे पढ़ लो कि कार जाकर जमा करना होगा। वो क्या क्या था, मेट्रिक सर्टिफिकेट और मार्कशीट, इंटरमीडिएट का फाइनल ईयर, ओरिजिन CLC, कॉलेज ऑफ माइग्रेशन का सर्टिफिकेट, आधार, 2000 रिसेंट साइज फोटो, पासपोर्ट फोटोग्राफ। और भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर नालंदा कॉलेज का कॉन्टैक्ट नंबर दो, तो चलिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल जा रहा है। इसी प्रकार से आप अपने कॉलेजेस का वेबसाइट चेक कर लो। चलिए मैं आपको बताता हूँ AN कॉलेज के ऊपर चेक कर लूँ क्या आया है नोटिस या नहीं। AN कॉलेज, ठीक है, ANC patna.ac.in ये वेबसाइट है AN कॉलेज की। वेबसाइट पाऊंगा तो यहाँ पे आपको आना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोटिस ऊपर देख रहे हो आ रहा है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। चलिए मैंने क्लिक कर दिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोटिस पर, इसे मैं दोबारा डाउनलोड करता हूँ। तो डाउनलोड कर रहा हूँ तो आप बस देख पा रहे हो कि नोटिस डाउनलोड हो रही है गाइज। ये पुरानी नोटिस है, ठीक है, एक्चुअली ये नई नोटिस अभी नहीं आई है, ये तो नोटिस पुरानी है। तो आपको बता दूँ मैं अगर नोटिस अपडेट करते हैं AN कॉलेज की वेबसाइट पर तो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आपको नोटिस के सेक्शन में आप आओगे तो यहाँ पर आपको जो भी नोटिस आती है रिगार्डिंग आपके कॉलेजेस पर आपको यहाँ पर सबसे पहले वो नोटिस देखने को मिल जाती है। तो उसके लिए आप नोटिस का सेक्शन चेक करते रहे अपने कॉलेज का, आपको मिल जाएगी, नहीं तो आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट भी गिवन है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो अपने डिपार्टमेंट में। और ही खास बात करें तो इसी तरह से आप अपने सारे कॉलेजेस पे वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। फिर जब मैंने आपको बता दिया आप उसी तरह से अपने कॉलेजेस की वेबसाइट पे चेक करते रहिए, मैं भी आप सभी के लिए कॉलेज की वेबसाइट चेक करूँगा। उसके लिए आप अपना कॉलेज में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि आपको किस किस कॉलेज का आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस जानना है, मैं क्या करूँगा। जैसे कॉलेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिस डालता है मैं उस नोटिस को अपने हमारे ऑनलाइन क्वेश्चन आपके टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूँगा, तो आपको वहाँ पर नोटिस हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो हमारे डियर फ्रेंड्स इतिहास की अपडेट मैंने आपको बता दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो नोटिस आई थी गाइस, ये नोटिस आई थी। तो फ्रेंड्स और भी हमारे वीडियो के कमेंट करिए कि आप में से कितने लोग TPS कॉलेज में हैं,
जो है एडमिशन लिया है, और बताइए कि आप सभी किस किस कोर्स में एडमिशन लिए हैं, और ये भी मुझे कमेंट से इसके साथ कमेंट करिए आप लोगों में से कितने लोगों का अभी तक वेरीफिकेशन होना बाकी है और वेरीफिकेशन नहीं हुआ है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो कोई भी डाउट हो अगर तो हमारे वीडियो के कमेंट से कमेंट कर सकते हैं, और भी वीडियो को और भी इस वीडियो को प्रसाद दोस्तों के साथ फेसबुक पर शेयर करना ना भूले। तो आज के इसमें इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप शेयरिंग सपोर्टिंग अस।